हेलो स्टूडेंट्स, इन लास्ट वीडियो लेक्चर वी हैव लर्न्ड अबाउट द सिंपल मशीन्स, व्हाट आर द सिंपल मशीन्स एंड टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स आर देयर वी यूज्ड इन अवर डेली लाइफ. एज वी लर्न्ड देयर आर सिक्स टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स दैट कॉमनली वी आर यूजिंग इन अवर डेली लाइफ. आउट ऑफ सिक्स वी हैव स्टडीड अबाउट टू सिंपल मशीन्स, inclined plane and screw. And now today we are going to learn another simple machines like weights, wheel and axle and pulley. What is a weight? Weight matlab ki ek जो भी डिवाइस है, टूल है, उसकी एक जो एज होगी वो स्लैंटिंग होगी और एक जो पॉइंट होगा वो शार्प होगा. स्लैंटिंग होगी तो उसका मतलब ये हुआ कि वेज है वो भी स्क्रू की तरह एक इंक्लाइन प्लेन का एग्जांपल है, टाइप है. सो वेज इज एन इंक्लाइन प्लेन व्हिच हैज एटलीस्ट वन स्लैंटिंग साइड which is forming a sharp edge. और ऐसा कहा जाता है कि वेज इज द प्रोबेबली ओल्डेस्ट टूल दैट इज यूज्ड बाय द ह्यूमन बीइंग्स. अगर मैं आपको एग्जाम्पल की बात करूं तो नीडल है, पिन है, नेल है, नेल मतलब की नाइफ है, ये जो सारे एग्जाम्पल है शार्प एजेस वाले वो वेजेस कहलाते हैं. और जो स्पीयर है पाला, उसका भी एक जो एज होता है, एक पॉइंट होता है, वो शार्प होता है और वो भी इंक्लाइंड प्लेन की तरह स्लैंटिंग में यूज होता है. और उसका जो यूज है वो जनरली एनिमल्स को हंट करने के लिए यूज होता है. तो ये जो सारे है टूल्स वो वेजेस है और वेजेस क्या है, सिंपल मशीन है जो हमें हमारा जो काम है वर्क करने का वो सारा जहां शार्प एजेस यूज होती है वो हमारा काम आसान करता है. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज व्हील एंड एक्सल. व्हील का सब लोगों ने देखा है ना, तो एक्सल क्या है? जो भी स्कूटर्स होते हैं
बैक है और जो हैंडल है डोर का. इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ व्हील एंड एक्सल. सो इट्स अ सिंपल वन. नाउ द नेक्स्ट वन इज पुली. जैसे स्क्रू और नेल में जो डिफरेंस होता है, दोनों सेम ही होते हैं, बट जो स्क्रू होता है उसमें ग्रूव्स होते हैं जो हमने देखा, और गेंद है वो ऐसे सॉफ्ट उसकी जो सरफेस होती है. वैसे ही ये पुली है. पुली और गेंद में इतना ही डिफरेंस है कि पुली जो होती है वो गेंद ही होती है बट उसमें ग्रूव्स होते हैं, और देयर इज ओनली वन ग्रूव. सो पुली इज अ ग्रूव्ड गेंद विद अ रॉक और कैबल. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कॉमन जो वेल में यूज होता है. हमें कुएं में से पानी निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं? कुएं के ऊपर रस्सी होती है, रस्सी के साथ हम बकेट है वो बांध देते हैं, और वो कुएं में जाता है, रस्सी हम अंदर डालते हैं, पानी भर के हम रस्सी खींचते हैं. तो ये जो रस्सी है और वो जहां पर जहां से अंदर जाती है कुएं में और हम खींचते हैं वहां एक व्हील होता है. That is a pulley. ठीक है, कुएं में से पानी निकालने के लिए ये पुली है. वो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, फेमस एग्जाम्पल है. इसके अलावा when two pulleys are linked with the same cable around them, it is used to lift or lowering the heavy loads. यहाँ आपको क्रेन का इमेज दिख रहा है. क्रेन में आप देख सकते हो कि एक जो पुली है वो जो नीचे लोड है उसके वहां पर है, और एक पुली है वो ऊपर मशीन के साथ अटैच है, और दोनों के बीच में एक केबल बेल्ट है वो जिसके मदद से ये जो पूरा बॉक्स है वो क्रेन से उठाया जा सकता है. तो ये जो सेंटेंस है वो यही कहता है कि अगर दो पुली जो टू पुलीज है इफ वी कनेक्ट देम विद द सेम केबल और रॉप अराउंड इट, इट इज यूज्ड टू कैरी द हैवी लोड्स. लिफ्टिंग, लिफ्टिंग मतलब कि ऊंचा उठाना, और लॉरिंग मतलब कि नीचे रखना. तो क्रेन कहाँ यूज होता है वो हमें पता है. तो यहाँ जो क्रेन है वहां पर पुली का यूज हुआ. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आर थ्री सिंपल मशीन्स दैट वी हैव लर्न्ड, वेजिस, व्हील एंड एक्सल एंड पुली. Now the next step of simple machine that we have to learn is lever. Students, यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है
जहाँ एक केक है और जो हम स्पून से खोल रहे हैं। ऐसी चीजें हम कई बार करते हैं कि कोई चीज से हम डोर उठाने की ट्राई करते हैं, तो ये जो है वो एक टाइप का लीवर है, जो कि एक सिंपल मशीन है, ये स्पून है वो, जिससे हमारा केक खोलने का जो काम है वो इजी होता है। तो यहाँ ये जो स्पून है, इट इज वर्किंग एज अ लीवर। डिटेल में हम लीवर लर्न करते हैं, तो जो लीवर है इट इज ऑलवेज हैव थ्री कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन इज फुलक्रम, सेकंड इज एफर्ट एंड थर्ड वन इज वर्क। थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द लीवर्स, फुलक्रम, एफर्ट एंड वर्क। व्हाट इज फुलक्रम? अ लीवर इज अ बार दैट कैन बी मूव अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, इट इज कॉल्ड अ फुलक्रम। एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, एक बार जहां से ये फुलक्रम है वो मूव करता है, वो जो फिक्स्ड पॉइंट है उसे कहते हैं फुलक्रम। डिटेल में हम लर्न करते हैं। पहला आपको क्या ध्यान रखना है, अभी लीवर क्या है? एक टाइप का सिंपल मशीन है कि जो हमारा दांत है वो आसान करता है। और लीवर में तीन कंपोनेंट्स होते हैं, थ्री पार्ट्स ऑफ लीवर आते हैं, फुलक्रम, एफर्ट एंड लोड। ये फुलक्रम, एफर्ट एंड लोड वो अलग अलग रूम में अलग अलग प्लेस पर होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग लीवर के थ्री टाइप्स होते हैं, फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर, सेकेंड टाइप ऑफ लीवर एंड थर्ड टाइप ऑफ लीवर। क्या डिफरेंस है वो हम टाइम बाई टाइम लर्न करते हैं। जो फर्स्ट स्टेप होता है वहां पर द फुलक्रम इज बिटवीन द लोड एंड एफर्ट। यहाँ आपको ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है केन वाला, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि स्पून का जो आगे का पार्ट है वहां पर वो कहाँ है, उसके ऊपर से वो केन का जो लीड है वो वहां से उठाया जा रहा है। तो लीड जो केन का जो ऊपर का ढक्कन है वो हमारा लोड है, ठीक है। एफर्ट हम कहाँ डाल रहे हैं, फोर्स कहाँ दे रहे हैं, पार्ट पीछे की साइड, ठीक है। तो वो ये लीवर का कौन सा पार्ट हुआ, एफर्ट। और स्पून में जो बीच का जो पार्ट है लोड एंड एफर्ट के बीच में वो है फुलक्रम, जहां से स्पून है वो मूव होती है, फिक्स पॉइंट है जो एफर्ट एंड लोड को ज्वाइंट करती है। समझ में आया? जहां से हम केन का ढक्कन उठा रहे हैं वो लीवर का लोड वाला पार्ट है, जहां पर हम प्रेशर दे रहे हैं खोलने के लिए वहां वो एफर्ट है, और सेंटर में जो है वो फुलक्रम है। तो यहाँ जो ये स्पून है वो एज अ फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर यूज हो रहा है। इसके अलावा जो फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर का एग्जाम्पल है वो है अ पेयर ऑफ सीजर्स, जो सीजर्स होती है। ठीक है, लोड है वो क्या होता है, यहाँ लोड होता है, यहां से हम एफर्ट दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो यहाँ एक बीच में स्क्रू होता है फिक्स पॉइंट, जहां से ये सीजर है वो मूव होती है, तो ये है फुलक्रम। समझ में आया? ये जो सीजर है वो फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर है, जहां पर फुलक्रम है वो ऑलवेज सेंटर में होता है, इसके सेंटर में होता है लॉर्ड एंड एफर्ट। फिर क्लिप्स आती है,
जिसमें फलक्रम होता है जहाँ और जो बार हाथ में पकड़ कर है मारने के लिए जो वहां पर हम एफर्ट दे रहे हैं तो वो भी फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर है ना। द सेकेंड टाइप ऑफ लीवर में क्या होता है, नोड इज बिटवीन द फलक्रम एंड एफर्ट, नोड है वो बीच में होता है, इसके बीच में होता है फलक्रम और एफर्ट के बीच में, पहले फलक्रम होगा फिर लोड होगा और फिर एफर्ट होगा। इसके जो एग्जाम्पल है उसमें है सबसे पहला वाटर ऑमला, यहाँ पिक्चर दिखाई दे रहा है, वाटर ऑमला में क्या है पहले है वो फलक्रम है जहां से वो ज्वाइन होता है, लोड कहाँ आया जो हमें वाटर ओपन करनी है वहां पर वो बीच में लोड है और लास्ट में एफर्ट है, समझ में आया। दूसरा जो एग्जाम्पल है सेकेंड टाइप ऑफ फ्लेवर का वो है लेमन स्क्वीजर, लेमन स्क्वीजर है उसमें बीच में लोड होता है लेमन, पीछे से हम उसे स्क्वीज करते हैं एफर्ट देते हैं वो एफर्ट है और आगे फलक्रम है, ये जो व्हील बैरो है वो भी हम लोग पिक्चर में दिख रहा है वो भी क्या है सेकेंड टाइप ऑफ। और जो थर्ड टाइप ऑफ लीवर है इसमें क्या होता है, जो एफर्ट है वो लोड और फलक्रम के बीच में होता है और यहाँ है एफर्ट है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लोड, लोड कम होता है बट एफर्ट हमें ज्यादा देना पड़ता है, जैसे कि पेयर ऑफ स्क्वीजर्स एंड ड्रम, जो हम रसोई घर में लोग चिपकिया यूज करते हैं इट इज द एग्जाम्पल ऑफ थर्ड टाइप ऑफ लीवर, ठीक है। उसमें जो फलक्रम है वो लास्ट में होता है, आगे से हमें जो कुछ भी उठाना है वो लोड है और सेंटर में हम एफर्ट देते हैं बीच में से पकड़ के उठाते हैं, ठीक है समझ में आया। सो दिस इज ऑल अबाउट द लीवर, यहाँ ये जो हमारा लेसन है वो कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स, और यहाँ एक टेबल दिखाई दे रहा है जिसमें सारे सिंपल मशीन्स है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन शॉर्ट में दिया गया है, उसके एग्जांपल और उसका जो बेसिक नेचर है वो भी यहाँ आपको दिखाई दिया दे रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ जो हमारा लेसन है वो कंप्लीट होता है, नाइन्थ लेसन सिंपल मशीन्स, इसके साथ आपको ये